बाबा हमेशा कहते थे, मानव सेवा ही माधव सेवा है. कीपिंग दैट इन माइंड, वी आर सो हैप्पी दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन सत्य साई विद्या विहार इंदौर टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड स्पेशली आवर ओन मदरलैंड एज सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री. आज जब पूरा विश्व COVID-19 के साए में घबराकर के जी रहा है, सत्य साई विद्या विहार में और सत्य साई सेवा संगठन के वॉलंटियर्स द्वारा एक बहुत ही अद्भुत सेवा की जा रही है. हम सबको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनको एवं जो उनका इलाज कर रहे कोरोना वॉरियर्स यानी कि हमारे डॉक्टर्स हैं, उन सबका भोजन बनाने की जिम्मेदारी हमारे दोनों स्कूल्स के कैंटीन को सौंपी गई है. साई राम, मेरा नाम अमर चंदनानी है. सबसे पहले जो यहाँ पर सेवा करने के लिए आता है, जो भी सेवा दल व्यक्ति आता है यहाँ पर, उसको यहाँ पर एक हमने टेबल पे सारी व्यवस्था करके रखी है, जहाँ पर उसको आके अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और हाथों में उसको ग्लव्स पहनने हैं. उसके बाद ही वह आके किचन में एंट्री लेता है. यह हमारे किचन का पैकिंग एरिया है, जो भोजन पौष्टिक भोजन हमारे जो कुकिंग टीम है उसके द्वारा तैयार करने के बाद उनको अलग अलग तपेलों से लाया जाता है और यहाँ पर सारी हमारी प्लेट्स एक बार बिछा दी जाती हैं और जो हमारे टीम के सदस्य हैं वो एक एक करके, एक व्यक्ति चावल ले लेता है वो परोसना चालू करता है, दूसरा व्यक्ति दाल ले लेता है, उसके बाद उनको ढक्कन लगा के प्रॉपर तरीके से पैक करके और फिर आगे प्रशासनिक अधिकारी की जो गाड़ी आती है या उनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति उनको डिलीवर किया जाता है. हम लोग जब पैकिंग करते हैं तब ये प्रार्थना भी भगवान से करते हैं कि ये जिसको भी अन्न मिले उसको यह स्वास्थ्यकारी सिद्ध हो और हर किसी को इसका फ़ायदा मिले. इसमें सारे विटामिन्स प्रोटीन्स की ध्यान रखा जाता है और यह एक पूर्ण भोजन सबको उपलब्ध हो रहा है. हेलो, मेरा नाम आयुषी गर्ग है. मैं यहाँ पे करीबन 15 दिनों से आ रही हूँ और मैं इस समिति से तो नहीं जुड़ी हूँ पर इसमें सर्व करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है. मतलब यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ पे क्वारंटाइन जो लोग हैं उन लोगों को सर्व किया जा रहा है अच्छे तरीके से. सो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कैसे भी किसी भी तरीके से अगर आप इस कोविड में अपनी सेवा दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए और यहाँ से जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़िए. जो हमने हमारा जो किचन है 18 अप्रैल से चालू किया था, कंटिन्यूसली चल रहा है. फूड क्वालिटी की बात करेंगे तो हमने न्यूट्रिशन लोग से भी बात किया है, उनसे हमने पूरा फीडबैक लिया कि कौन से पेशेंट्स के लिए अच्छा है उनके लिए जो न्यूट्रिशियस फूड रहेगा. तो हम दही दे रहे हैं,
और हमारा रोज नया नया मेनू रहता है। जब से ये कोविड की महामारी शुरू हुई उसके बाद सत्य साई सेवा संगठन द्वारा पूरे देश में कम्युनिटी किचन्स की शुरुआत की गई। उसी श्रृंखला में हमने 17 अप्रैल से इंदौर में भी किचन बन की शुरुआत करी। इसमें हमने सबसे पहले पूरे किचन को सैनिटाइजेशन किया और 18 तारीख से हमने फूड पैकेट शुरू कर दिया। इसमें जो किचन वन है उसमें मेनली हमारे स्कूल का जो स्टाफ है उसका बहुत सहयोग रहता है। मेनली वही इस किचन खाना बनाने से लेके पैक करने से लेके डिस्पैच तक की जिम्मेदारी वो निभाते हैं। इसमें हम खास बात यह है कि इसमें जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। रोज सभी जो भी वर्कर्स आते हैं सेवा दल आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनका टेम्परेचर लिया जाता है और उसके बाद ही उनको किचन के अंदर अलाउ किया जाता है। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन जो कि विश्व के तकरीबन 150 देशों में उपस्थित है, विद्यमान है और जब भी कभी कोई ऐसी आपदा आती है उसमें सत्य साई सेवा संगठन अपना एक विशेष योगदान हर समय देता है। संगठन की यदि देखा जाए तो मुख्य आधार में भगवान श्री सत्य साई बाबा ये कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। जहाँ जहाँ भी हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि श्री सत्य साई बाबा के नाम पर चल रहे हैं, उन जगहों पर हमने अपने किचन्स कम्युनिटी किचन शुरू करे। इसमें जैसा आपको बताया गया है बहुत ध्यान रखा गया कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कोई हम लोगों से घटना ना हो जो कि हमें कोविड में कोई परेशानी में डाल सके। इस समय वर्तमान में 108 किचन हमारे भारतवर्ष में जगह जगह पर चल रहे हैं, उनमें से यहाँ पर दो किचन जो मैंने आपको बताया, एक बाल मंदिर में और एक मुख्य स्कूल में लगाया जा रहा है। कुल 500 पैकेट हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इसमें हमने भिन्न भिन्न अस्पतालों के डाइटिशियंस की मदद ली और आप देख रहे हैं यह इसमें IDA इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वह इन पैकेट्स को ले जाकर जो भी सेंटर्स हैं CCD सेंटर्स जो कि कोविड केयर पेशेंट्स के हैं, इसके अलावा इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 225 डॉक्टर्स जो कि बाहर से आए हुए हैं और जो कोविड अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं उनके लिए भी भोजन व्यवस्था जो है वो हमारे इस किचन से दी जा रही है। यह हमारा सही में सौभाग्य है कि ऐसे समय हमको भगवान ने यह सेवा करने का मौका दिया और जो भी हम कर पा रहे हैं उसमें भाव हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि लोका समस्ता सुखिनो भवंतु इस भावना के साथ यह कार्य सत्य साई सेवा संगठन द्वारा किया जा रहा है। जय साई।